ॐ गं गणपतये नमः। ॐ वीणा पुस्तकधारिण्ये महासरस्वत्ये नमः। ॐ तिरुपति देवाय नमः। ॐ हं हनुमतये नमः। गजाननं भूतगणाविसेवितां कपेतजं भूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद्य पंकजं। हे रम्भो सुरपूजितो गुणमयो लंबोदर श्रीयुतो श्रीसुंडो गजकर्णिको गजमुखो गंभीर विद्यागुणी गुर्या पुत्र गणेश्वरो हरसुतो गोविंद पूजा कृतो यात्रा जन्म विवाह यज्ञ समये कुर्वन्तु नो मंगलम्। ॐ अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत्पुण्डरीकाक्षं सर्वायाभ्यन्तरशुचि मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजो मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलाय स्वनो हरे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। दोनों सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे, अपने इष्ट देव, अपने कुल देव कुल देवी और अपने घर के पितृस्वर इन सभी का स्मरण करेंगे और सभी देवी देवताओं से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, अनुग्रह करेंगे कि आप सभी देवताओं को यहाँ पर हमने स्थान दिया है, आप अपने अपने स्थान पर आकर विराजमान हो जाएं ताकि हम आपका पूजन कर्म प्रारंभ करें। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। दोनों एक दूसरे को देखें। हो मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। हो मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ना मजा हो गए हम फना हो गए, ना मजा हो गए हम फना आप यहाँ पर अपनी पुत्री से माफी मांग रहे हैं, किस बात की माफी? कहते हैं कि इस प्यारी बिटिया ने आपके घर में जन्म लिया और
आप इस बिटिया के पिता बने। पिता होने के नाते आपने बड़े ही लाड प्यार के साथ अपनी पुत्री को पाला पोषा और बड़ा किया। इस दौरान यदि किसी बात से, किसी बात के लिए कभी इसने जिद की हो और उसके लिए आपने इसको अगर कुछ कह दिया हो, डांट दिया हो, तो वो अपने से एक अपराध हुआ है। ये हम लोग क्षमा मांग रहे हैं उस अपराध के लिए। आप यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, यदि आपके व्यवहार से इसके दिल को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए आज हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर रहे हैं। कहिए, ए बेटी, तुम्हारी परवरिश में मेरे द्वारा कोई कमी रही हो या मेरे द्वारा कोई अपराध हुआ हो तो उसके लिए तुम मुझे क्षमा करना, माफ करना, और मेरे लालन पालन से तुम अगर खुश हो तो मुझे आज इस मंडप में ऐसा वरदान देना, ऐसा आशीर्वाद देना कि अगले जन्म में तुम पुनः मेरी बिटिया बनकर जन्म ले और मैं तेरी हर ख्वाहिश को पूरी कर सकूं, ऐसा मेरे ऊपर तुम कृपा करना। ठाकुर जी की जब कृपा रहती है तो घर में बेटा पैदा होता है, लेकिन पुण्य की पुण्याई से कई जन्मों के पुण्य और सत्कर्म करते हैं तब जाके घर में बेटी जन्म लेती है। ये तो किसी ने सच ही कहा था कि हर बेटी की तकदीर में एक बाप होता है, हर बेटी की तकदीर में एक बाप होता है, लेकिन राधे श्याम जी, ये जरूरी नहीं कि हर बाप की तकदीर में एक बेटी हो। सही समय पर अपनी सुपुत्री के लिए उत्तम कुल से सुंदर और सुशील एवं योग्य वर चुनकर बिटिया का कन्यादान करने जा रहे हैं। हो तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, जा रही है छोड़ के मेरी गली लाडो। तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, जा रही है छोड़ के मेरी गली लाडो। खूबसूरत वो जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। खूबसूरत वो जमाने याद आएंगे। कन्या कनक संपन्ना कनकावर्णेरुतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषया विश्वंभरं सर्वभूता साक्षिण्य सर्वदेवता। बोली, अद्य कृते तत् कन्यादान कर्मणे सांगता सिद्ध्यर्थम् इदं सूर्ण उंगुलीयक अग्निदेवतं वास्यमानं धेनुवा तन्मूल्योक कल्पितं द्रव्यम वत्स्य गोत्राय भूपेशजी शर्मणे वराय दक्षिणा त्वेन तुभ्यम अहम् संप्रददे। हाथ में तेरे हाथ हो मेरा, दिल में नहीं कोई गम, साथ रहेंगे सात जन्म तक, हम ये खाए कसम। हाथ में तेरा हाथ हो मेरा, दिल में नहीं कोई गम। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः इत्याज्य भागो। ओम भू स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम व स्वाहा, इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय नमः। ओम अर्जमणं देवकन्यामग्निमयक्षत
सनो अर्जमा देव प्रेतो मुं चतुमापते स्वाहा इदम अर्जमने नमः ओम इयम नायुप्रपदे लाजा नावंदिका आयुष्मानस्तु मे पदे दंता गैतो मम स्वाहा इदम अग्नये नमः पहलो पहलो लीनो अखर कुआरी पहलो पहलो फेरो लीनो अखर कुआरी अखर कुआरी आतो घणी रे दुलार घणी रे दुलार मेरे प्यारे बना रघुनाथ बना रघुकुल के बना जरा धीरे हाँ धीरे चलो ना बना। दूसरा फेरा यहाँ पर हम लोग लेंगे। हो तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात तारे हैं बाराती चांदनी है ये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सनो हरे मंगलाय सनो हरे। यहाँ पर तीसरा फेरा लेते हुए ओ मेहंदी लगा के दोनों हाथ पियाज के साथ दुल्हन ससुराल चले दुल्हन ससुराल चले मेहंदी लगा के दोनों हाथ पियाज के साथ दुल्हन ससुराल चली पराए देश बेटी चली पराए देश बेटी चली पराए देश बेटी चली पराए देश पंख लगा के उड़े चलिए पंख लगा के उड़ी चलिए हर चिड़िया का भेष बेटी चली पराए देश बेटी चली पराए देश बेटी चली पराए देश बेटी बापू सारी प्यारे देखो चौथो फेरो लीनो बाबू सारे प्यारे बापू साके प्यारे आतो मायण न दुलारे मंडपे मधुबरकम चला जाहो में तथेव च यावत कन्या नवा मांगे तावत कन्या कुमारी का। यहाँ पर कहते हैं मंडपे मधुबरकम च लाजा होमे तथेव च। जब ये मंडप बना था 25% शादी आपकी हो चुकी थी मधुबरकम च जो आपको मधुबरक दिया गया था उस समय 50% शादी लाजा होमे तथेव च आपके शाले बाबू पीछे से जो हवन करवा रहे थे उसे लाजा होम कहते हैं। जब लाजा होम हुआ तो 75% काम कंप्लीट था। यावत कन्या न वामांगे तावत कन्या कुमारी का। जब तक ये आपके वामांग में नहीं आती तब तक ये कुमारी की ही संज्ञा रहेगी। ये 7 वचन आपसे मांग रही हैं। पहला वचन इनकी तरफ से मैं आपको कह देता हूँ। ओम तीर्थ व्रतोद्यापन ज्ञान यज्ञान मया सह त्वमेदिका जगोर्जा वामांग मायाम ददात दीयम भाषेत कन्या वाक्यम प्रथमम कुमारी देवालया राम तड़ापि कूप वापिर विधत्वा अद पूछये था वामांग मायामि तदा त्वदीयं भासेत कन्या वचनम च पंचमम न सेवनीयां परपूर्विकाशात् काले त्वया भाविनी भामनीति
वामङ्गमायामितदात्वदीयं भासेत कन्यावचनं च सप्तमम्। यहाँ ये कह रहे हैं मदीय चित्तानुगतं च चित्तं सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नम्। हो मेरी मांग यूं ही भरना सपने हजार बनके आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके मेरे दिल में यूं ही रहना आए मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। ओम तिरुपति देवाय नमः।